तो एजीपीसी के प्रधान का पहले शिरोमणि अकाली दल के झंडे तले धरने पर शामिल होना सवाल उठा रहा है। अब इस तरह की सियासी बयानबाजी की जा रही है, एक टीवी चैनल के जरिए प्रेम दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि धर्म और सियासत एक साथ कैसे चल रही है और किसके इशारे पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए जगतार भुल्लर मेरे सहयोगी में साथ जुड़ रहे हैं। जगतार, जो धरने में आज शामिल हुए हैं एजीपीसी प्रधान, किस ओर ये इशारा करता है? क्योंकि इससे पहले जब धार्मिक बेअदबी के मामले सामने आए थे, 10 सालों तक प्रधान की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हुई, इस्तीफे दिए गए, लेकिन धरना कभी नजर नहीं आया। बिल्कुल मोनिका, ये कह सकते हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तब आजाद थी जब इसके अध्यक्ष ज्ञानी करतार सिंह होते थे, और जब से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी अकाली दल के अधीन आ गई, तब से कह सकते हैं कि ये श्रोमणी अकाली दल के डाउनफॉल था, लगातार गिरता जा रहा था इनका। जो एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरी दुनिया में एक ऐसी धार्मिक संस्था मानी जाती थी, उसकी आज चाहे इस आज प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर हो, चाहे इससे पहले अवतार सिंह मक्कड़ हो, उनसे पहले बीबी जगीर कौर, उनसे पहले फिर प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर हो, उससे पहले मरहूम जथेदार गुरचंद सिंह टौड़ा हो, ऐसे लोग हैं जिनकी चक्कर में कह सकते हैं कि धीरे धीरे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो असल काम था वहाँ से भट गई और एक पार्टी के लिए, एक परिवार के लिए बन के रह गए जो अभी पंजाब के बुद्धिजीवी जहाँ पंजाब की अलग अलग पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम है धार्मिक गुरुधाम जो गुरुद्वारे उनकी सेवा संभाल और एजुकेशन का, उसको और ज़्यादातर उसका कह सकते हैं कि गांव तक लेके जाना के जो सिख भाईचारे के लोग हैं वहाँ उनके लिए अच्छी अच्छी एजुकेशन और स्कूल कॉलेज बनाए जाएं। लेकिन हालात ये बन चुके, और जब अकाली बीजेपी की राज्य में सरकार थी और 110 दफ़ा कह सकते कि दसम गुरां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई थी, और तब यही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुप थी, और तब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई, और उसके बाद लगातार पंजाब में इतना ज़्यादा नशा, इतना ज़्यादा चिट्टा बिकरा, तब भी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फर्ज था वो फर्ज को बुरी तरह ये भूल चुकी थी। और अब क्योंकि बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी बीच जगतार सवाल यही उठ रहे हैं कि किसी के इशारे से ये सब कुछ हो रहा है, इशारा किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तभी ये सब हो रहा है। और कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं अब एक प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से, जो अकाली दल ने धरने किए हैं उसे ओछी हरकत करार दिया गया है, और ये कहा गया है कि शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है अकाली दल सूबे की। देखिए, कह सकते इसमें कोई शक नहीं, और पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त किसके इशारे पे चलता और किसके घर से पर्ची निकलती है और किसके घर से घंटी बजती है और कौन फोन आगे उठाता है, ये पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। और तभी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हालात ऐसे बन चुके कि एक पार्टी की एक धार्मिक कह सकते हैं कि संस्था बनकर रह गई है। और क्योंकि अब श्रोमणी अकाली दल को लगता है कि अगर पंजाब में सियासत करनी है तो ये एक खास करके एक ऐसा मुद्दा है, धार्मिक का ऐसा मुद्दा है पंजाब में, उस मुद्दे को पकड़ कर श्रोमणी अकाली दल एक बार फिर पंजाब में अपने आप को जीवित रखना चाहती है। क्योंकि जो सपने सुखबीर सिंह बादल ने 25 साल के लिए थे वो कह सकते कि 10 साल में सपने टूट गए हैं, और उनको लगता है, अब अकाली दल को लगता है कि हमारे पास एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पे लगातार श्रोमणी अकाली दल 1920 से लेकर अब तक सियासत करता आ रहा, और एक कह सकते कि ऐसी पार्टी है जिसको कह सकते कि अब जरूरत है, और अकाली दल को लगता है कि अब अगर पंजाब में सियासत करनी है तो धर्म का उनको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आज उन्होंने कह सकते कि पंजाब की सियासत और अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो कह सकते हैं ना सहारा लिया कृपाल सिंह बडुंगर का, तो ये कृपाल सिंह बडुंगर का भी चेहरा साफ हो गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी तस्वीर साफ होगी, और अकाली दल तो इस मसले में पहले ही सभी जानते कि आखिर उसने कब कब उनको जरूरत पड़ी है, तभी तभी उन्होंने पंथ का
धर्म का और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सियासत को चमकाने के लिए पंजाब में राज करने के लिए उनका सहारा लिया है। बिल्कुल, और जगतार जिस तरह से एसजीपीसी के प्रधान ने आज धरने में शिरकत की है उसके बाद से सवाल ये भी उठ रहा है, नैतिक जिम्मेदारियां आप समझते हो अपनी, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारियां कहाँ हैं आपकी? जब बेअदबी का मामला पिछली अकाली बीजेपी सरकार के दौरान हुआ था उस समय इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया, धरने पर क्यों नहीं आए? लगातार विदेशों में युवाओं के साथ नस्लीय हमले हो रहे हैं, वहां पर आपकी धार्मिक जिम्मेदारी कहाँ गई? और इस बीच अब जो दस्तावेज को लेकर स्क्रीन्स को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है, अब एक यू टर्न उनकी तरफ से ले लिया गया है इसमें। बिल्कुल मोनिका, अगर हम विदेशों की बात ना करें सिर्फ पंजाब की बात कर ले तो शायद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर की आंखें खुल जाएगी। जब पंजाब में बैबल कला में गुरु गोबिंद ग्रंथ साहब जी की बेदीबी के मामले में पंजाब की जनता वहां रोज शांतमयी तरीके से कर रहे थे, तो तब पंजाब के एक उच्च अधिकारी के आदेशों पर वहाँ बेकसूर लोगों को गोली मार दी गई थी, तब यही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहाँ थी? और पंजाब में अगर प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर सियासत की बजाय अगर धर्म पर जोर दे तो इनको पता चले कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके लड़के या उनके पोतर जो सिख भी नहीं है, हैं, तो उस पे अगर ध्यान दे प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर तो शायद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि उनको इशारा है श्रोमणी अकाली दल का और उस इशारे पे प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर नाचे, जरूर नाचे, उनका तभी सभी पार्टियां स्वागत कर रही हैं, लेकिन उस मसले पे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तभी कह सकते हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक रुतबा था, एक ऐसी छवि थी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, जब मास्टर तारा सिंह होते थे, ज्ञानी करतार सिंह होते थे, कि उनकी पूरी दुनिया में सुनवाई थी। और हालात ऐसे बन के कि अब प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर जो सिखों की मिनी पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं वो अब अकाली दल के इशारों पे धरने दे रहे हैं। बिल्कुल, और जगतार क्या समझे, मजबूरी समझे, इस तरह मुहरे की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब एग्रीमेंट जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की स्क्रीन्स को लेकर जब सवाल उठे, इससे पहले उनके पास कोई तथ्य नहीं थे, बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, अब एग्रीमेंट के तथ्य उन्होंने देख लिए हैं तो यू टर्न उनकी तरफ से लिया गया। उनकी तरफ से क्रेडिट तो सुखबीर सिंह बादल या पिछली सरकार को दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि कंटेंट चेक करना चाहिए था कि कंटेंट में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ये बदकिस्मती है, सिर्फ इसमें प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर नहीं, इसमें जिन लोग जो श्रोमणी अकाली दल के या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदे, उनकी तरफ से जो ये कह सकते हैं कि एक निजी चैनल जिसकी पंजाब में शाख बुरी तरह तबाह हो चुकी है, उसके चक्कर में आके कोई भी कंटेंट, कोई एग्रीमेंट देखे बिना जे तमाम लोग है, चाहे उसमें कह सकते हैं प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर हो, चाहे पूर्व काली मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा हो, चाहे पूर्व श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जगीर कौर हो, किसी ने कंटेंट नहीं चेक किया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ जे सुखबीर सिंह बादल करके गए थे राजस्थान की एक कंपनी के साथ, उनके पास जे डिपार्टमेंट था और इतने सस्ते में एग्रीमेंट किया था, और ये एग्रीमेंट बनाने में कोई ऐसी गाइडलाइन फ्रेम नहीं की गई थी सुखबीर सिंह बादल की तरफ से। अब इसी पे तभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ चुटकी ले रहे हैं कि ये भी एक घपला के एक राजस्थान की कंपनी को बिना सोचे और सिर्फ 42,000 प्रति माह की कमाई के चक्कर में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और उस समय के राज्य के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की तरफ से एग्रीमेंट किए गए थे। तो ये इन लोगों की मजबूरी है, ये श्रोमणी अकाली दल के उन लोगों की मजबूरी है जो कह सकते हैं कि जिन पे लगातार इल्ज़ाम लगते हैं कि एक परिवार अगर उनको कोई भी इशारा करता है तो इनके उस इशारे पे नाचने के लिए इन लोगों को मजबूर होना पड़ता। तो अब तभी चाहे प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर हो चाहे बाकी लोग हो, तभी बैकफुट पे आना पड़ा कि आखिर उनसे एक गलती हुई है। लेकिन सियासत में माफ़ी का शब्द वो बहुत कम
उपयोग होता। अब शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है, लेकिन फिलहाल जरूर सोच रहे हैं कि एक निजी चैनल की तरफ से उनका इस्तेमाल किया गया, और तभी अब जब उनको पता लगा कि एग्रीमेंट मौजूदा पंजाब सरकार ने नहीं बल्कि पिछली काली बीजेपी सरकार ने किया था, तो शायद अब उनको पछतावा करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और पछतावा कहीं ना कहीं हो रहा है जिस तरह से यू टर्न उनकी तरफ से लिया जा रहा है और लगातार जो है उनकी बयानबाजी बदल रही है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो ये पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है उसके बाद से अब जो है बयानबाजी इस पूरे मुद्दे पर हो रही है।